YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। शुक्रवार है, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि प्रातः 5:31 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि रात्रि शेष 4:37 तक रहेगी। नक्षत्र रोहिणी दिन में 12:23 तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। सूर्योदय 5:25 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 6:35 पर होगा। आज दिन में 12:23 तक पंचमन सीमंत, जात कर्म, नामकरण, शिशु तांबूल भक्षण, भूमि प्रवेशन, दोलारोहण, अन्न प्राशन, सूति स्नान, शय्यासन आदि के उपभोग, भूषाघटन, लता पादपारोपण, कणमर्दन, धान्यारोपण, शिव विद्या, विपणी और श्री रामक्षण के लिए मुहूर्त है। वहीं 12:23 के बाद वैशज्य, अल्प्रवहन, विपणी, व्यापार, गजा शुक्रत्य और धान निषेधन के लिए मुहूर्त है। आज अक्षय तृतीया है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया सभी पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली शुभ तिथि है। इस तिथि पर किया गया कोई भी शुभ कार्य जरूर सफल होता है, इसलिए अक्षय तृतीया को विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि माना गया है। सोना खरीदने के लिए यह बेहद ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, इस कारण भी स्थिति को शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी के साथ इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता। आज ही प्रदोष व्यापनी तृतीया में परशुराम जयंती मनाई जाएगी। मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्यापनी तृतीया तिथि में हुआ था। परशुराम जी को दशावतारों में छठा अवतार माना जाता है। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत और भागवत पुराण सहित कई ग्रंथों में मिलता है। वे अहंकारी और दुष्ट हय वंशी शक्तियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अश्वत्थामा, हनुमान, विभीषण की तरह परशुराम जी भी अमर हैं। तभी तो वे राम के काल में भी थे और कृष्ण के काल में भी और कल्प के अंत तक ये धरती पर तपस्या रत रहेंगे। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार को घर से निकलने से पहले दही या दही से बना पदार्थ खाना चाहिए। तो ये था आज का पंचांग। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।